अमरोहा में मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में संचालित किए जा रहे सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित व्यक्ति की मदद करने और आमजन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक महिला स्कूटर रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्र अधिकारी सदर विजय राणा और वरिष्ठ उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नरेश कुमार वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पर्वतन महेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें, रैली पिंक बूथ जोया से प्रारंभ होकर नगर का भ्रमण करते हुए अमरोहा नगर के गांधी मूर्ति चौराहे पर संपन्न हुई। उक्त रैली का नेतृत्व जिला सड़क सुरक्षा समिति के गैर सरकारी सदस्य अनिल कुमार जग्गा और यातायात प्रभारी धर्मेंद्र खोकर ने किया। वही रैली का नेतृत्व कर रहे वाहन से आमजन को सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया, समैरिटियन लॉ से अवगत कराया और सड़क और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने की जानकारी दी। सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है 5 जनवरी से 4 फरवरी तक, जिसमें शासन से प्रतिदिन के कार्यक्रम निर्धारित होकर के आए हैं और आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो महिलाओं की स्कूटी रैली सड़क सुरक्षा से संबंधित निकाली जानी है शहर के विभिन्न भागों में। तो उसका अभी सीओ साहब के साथ में हरी झंडी दिखा के इसका शुभारंभ किया गया है और गांधी मूर्ति पर इसका समापन होगा। गांधी शपथ ग्रहण समारोह भी हम करेंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित। कब तक लगातार कब तक चलेगा आगे? ये हमारा 4 फरवरी तक चलेगा और भिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली के संपन्न होने पर सभी प्रतिभागियों को अनिल कुमार जग्गा ने सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराई और सड़क और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया।